राजधानी लखनऊ के पीजीआई कोतवाली क्षेत्र के एक विवादित फ्लैट को लेकर 30,000 की रिश्वत लेते हुए दरोगा को एंटी करप्शन टास्क फोर्स ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पीड़ित 4 दिन से परेशान था। पकड़ा गया दरोगा बराबर पीड़ित के ऊपर पैसे देने का दबाव बना रहा था। पीड़ित ने दरोगा को शनिवार को 20,000 और रविवार को 10,000 रुपए की घूस दी थी। वृंदावन योजना के सेक्टर 5 निवासी से मंजुला द्विवेदी पत्नी पीएन द्विवेदी निवासी दुर्गापुरम स्वास्थ्य विहार पीजीआई के बीच फ्लैट लेने देने के समझौता कराने का दरोगा ने 50,000 रुपए घूस की मांग की थी। पीजीआई इंस्पेक्टर और एसआई के साथ दरोगा सहित तीनों मिलकर पीड़ित को 4 घंटा थाने में बैठा रखा और उसे भद्दी भद्दी गालियां भी दी। मजबूर होकर पीड़ित 50,000 रुपए घूस देने को राजी हो गया। घूस का कुछ पैसा देने के बाद पीड़ित अपनी समस्या को लेकर एंटी करप्शन कार्यालय पहुंचा, जिस पर एंटी करप्शन टीम के साथ मिलकर दरोगा को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार चौरसिया और श्रीमती मंजुला देवी का एक प्लाट को लेकर आपस में विवाद था, पैसे के लेन देन को लेकर। इस बात को लेकर के SHO श्री अरुण कुमार राय PGI में जो प्रभारी हैं, इन्होंने संकटा प्रसाद मौर्य के माध्यम से इसको सुरेंद्र कुमार चौरसिया को बुलवाया और थाने पर गाली उठा किया और उसके बाद उससे 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई छोड़ने के लिए। लगभग 3 घंटे उसको बैठाए रखा गया। एक मिनट भाई साहब जी, मांग की गई और उससे उस दिन उस पर मजबूरी थी तो उसने 20,000 रुपया दिया संकटा प्रसाद मौर्य के माध्यम से, तो उसको छोड़ा गया। उसके बाद 30,000 के लिए संकटा प्रसाद मौर्य ने 18 तारीख को उस पर फोन किया कि जो बकाया पैसा 30,000 रुपया वो दे जाओ, तो उसने कहा कि इतना रुपया भी मेरे पास नहीं है, 10,000 रुपया है, इसको आके ले लो। तो ये गया और PGI के गेट पर उसके आरोपी की गाड़ी में बैठ करके 10,000 रुपया ले आया, जिसका उसने वीडियो भी बनाया। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ अंकुश पाल, जनमत न्यूज़।